हरसिंगार यानी पारिजात पौधा से ज्यादा फूल तब मिलता है जब हम प्लांट को जमीन में लगाते हैं। हरसिंगार पारिजात प्लांट का बारीक बारीक सी रूट्स बहुत ही जल्दी जल्दी जमीन में फैल जाता है और हम गमले में भी लगाएंगे तो आप देखे होंगे गमले में भी बहुत ज्यादा से ज्यादा रूट बाउंड इस प्लांट का हो जाता है। अब सितंबर का मंथ है, मेरा हरसिंगार पारिजात प्लांट में कलियां बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब कलियां तो दिख नहीं रहे हैं तो प्लांट को देख के ही पता चल रहे हैं। देखिए प्लांट का ये पत्ता देखिए कितना बिग साइज यानी बड़े साइज का है और आगे के तरफ जैसे ग्रोथ जा रहे हैं तो पत्ता धीरे धीरे छोटा होते जा रहे हैं और छोटा छोटा कलियां भी बने हैं। आप थोड़ा आपको कुछ दिन बाद अपडेट भी दिखा दूंगी कि देखिए हर टिप्स एरिया में बहुत सारा कलियां बनना स्टार्ट हो गए हैं। गमले में भी लगा के हरसिंगार यानी पारिजात प्लांट में हम ज्यादा से ज्यादा फूल ले सकते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं, आपका हरसिंगार प्लांट में अभी तक प्रूनिंग यानी कटाई छटाई नहीं किया है तो ये बहुत ही जरूरी काम, हरसिंगार प्लांट को आपको कटाई छटाई कर लेना है क्योंकि जितना ही आप कटाई छटाई करेंगे उतना ही इसमें ब्रांच निकाल के आएगा और हर ब्रांच का टिप्स में ही फूल खिलता है हरसिंगार यानी पारिजात प्लांट में। कटाई छटाई यानी प्रूनिंग के साथ साथ और एक काम आपको कर लेना है क्योंकि अभी सितंबर का मंथ है, इसी मंथ में आपका हरसिंगार प्लांट में कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक आपका हरसिंगार प्लांट एक ही गमले में 2 साल लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, आपके पास जगह है तो आप प्लांट को बड़ा गमले में रिपोर्टिंग कर दीजिए, नहीं तो जिस गमले में हरसिंगार का प्लांट लगा हुआ था उसी गमले से निकल के रूट्स को आधा काट के आप उसी गमले में दोबारा रिपोर्टिंग कर दीजिए। और आप मेरे तरह करना चाहते हो, मैंने क्या किया था लास्ट वीडियो आप देखे होंगे कि मैंने आधा गमले का जो मिट्टी है उजार है सब कट करके मैंने हटा दिया था, उसी जगह पे मैंने नया सॉइल मिक्स दिया था, नया फर्टिलाइज़र दिया था। तो इस तरीके से मैंने प्लांट को जो रूट्स है उसको मैं प्रूनिंग करा था। तो अभी तक आपने ये 2 काम नहीं किए होंगे तो जल्दी से ये 2 काम आपको प्लांट में करना ही करना है, तभी आपका प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलेगी। अब आते हैं कि कौन सा फर्टिलाइजर अब सितंबर मंथ में हरसिंगार प्लांट में हमको देना है। 2 टाइप का फर्टिलाइजर आपका प्लांट का साथ आप जो जो काम करते रहेंगे उसको अकॉर्डिंग आपको दे देना है। जैसे आपने प्लांट को रिपोर्टिंग कर रहे हैं, प्लांट का रूट्स को आप कटिंग कर रहे हैं, तभी आपको क्या करना है, पॉटिंग गार्डन सॉइल के साथ आपको कोई काउडंग मैन्योर हो कोई वार्मी कॉम्पोस्ट हो मिला के आपको बोन मिल भी थोड़ा सा ऐड कर देना है, नीम खली भी थोड़ा सा ऐड कर देना है, सी वीड्स यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर देना है। अभी इस टाइम जब आप प्लांट को रिपोर्टिंग कर रहे हो कि प्लांट का रूट को ट्रीटमेंट कर रहे हो, आपको कोई पोटाशियम बेस्ड फर्टिलाइजर नहीं देना है। पर आपने ये काम कर लिए हो, अब आपका प्लांट में जो छोटा छोटा कलियां बनेगा उसके लिए आपको तैयार करना है प्लांट को, तो आज का जो फर्टिलाइजर आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसी फर्टिलाइजर को ही आपका प्लांट में दे देना है। कटाई छटाई और रूट प्रूनिंग के बाद मेरा प्लांट में तो ग्रोथ अच्छा आई है पर अभी भी मेरा प्लांट में पूरा ग्रोथ नहीं आ पाए है। आप देखे होंगे कि बीच बीच में आपको जो शाखाएं यानी जो ब्रांच दिख रहा है इसमें नोड एरिया अभी भी खाली है। तो आज का फर्टिलाइजर जो मैं प्लांट में दूंगी इसको नाइट्रोजन बेस्ड भी फर्टिलाइजर रहेगा और जैसे छोटा छोटा कलियां बनना स्टार्ट हो गए हैं तो मैं चाहती हूँ सितंबर मंथ से ही मेरा प्लांट फूलों से भर जाए, तो मैं पोटाश बेस्ड यानी ऑर्गेनिक पोटाशियम फर्टिलाइजर भी प्लांट को दूंगी। के मतलब मेरा प्लांट में एक साथ छोटा छोटा ब्रांच भी आते रहेगा और जो ब्रांच में कलियां आ चुका है तो उसी ब्रांच में फूल भी खिलते रहेगा। तो हमको कौन सा फर्टिलाइज़र अब इस सितंबर मंथ में दे देना है, आगे जाके फर्टिलाइज़र यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में भी चेंज होते जाएगा और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैं पारिजात यानी हरसिंगार प्लांट में भी डालते रहूँगी। फर्टिलाइज़र के बारे में और एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे मेरा हरसिंगार का प्लांट में जस्ट कलियाँ बनना स्टार्ट हुआ है तो अभी तक आप प्लांट में आपका प्लांट में भी छोटा छोटा कलियाँ बनना स्टार्ट हो गए तो अभी तक आप प्लांट में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दे सकते हो। जब प्लांट ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ भी कर लेगा और ज्यादा से ज्यादा बर्ड्स भी बनना चालू हो जाएगा तब हमको क्या कर लेना है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर
जैसे काउ मैन्योर हो गए, वार्मी कंपोस्ट हो गए, किचन वेस्ट हो गए, इस तरीके से नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हमको कम कर देना है। पर जब भी आप नीम खली का इस्तेमाल करेंगे एज ए फंगीसाइड बोलिए, इंसेक्टिसाइड बोलिए, तो नीम खली में भी नाइट्रोजन रहता है। तो उसी से ही क्या होगा जो हमारा प्लांट में जो मिनिमम नाइट्रोजन का ज़रूरत होता है तो नीम खली से ही प्लांट को मिल जाएगा। और फॉस्फोरस यानी कोई बोन मील आपको इस टाइम प्लांट में नहीं देना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम फर्टिलाइज़र प्लांट में देते रहना है और बीच बीच में माइक्रो न्यूट्रिएंट भी प्लांट में देते रहना है, फिर हमारा प्लांट में बहुत सारा फूल खिलते रहेगा। और हर सिंगल प्लांट में आप देखे होंगे जो कलियां कैसे किस तरीके से बनता है, हर ब्रांच का टिप्स में जैसे कलियां बनता है, और एक बार कलियां बनना स्टार्ट हो जाए तो वहां से बार बार कलियां आती रहते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपका प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच नहीं है तो आप तुरंत उसको काट कर दीजिए, प्रूनिंग कर दीजिए, और ब्रांच का संख्या आपको बढ़ाना है, तभी जाके आपका प्लांट में पत्ते से भी ज़्यादा फूल खिलना स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर मंथ में मेरा प्लांट में तो कलियां बनना स्टार्ट हो गए, पर कलियां इतना भी नहीं बनना स्टार्ट हो गए। तो देखिए अभी प्लांट को अच्छे तरीके से हमको गुड़ाई कर लेना है, पर जब कलियां पे भर जाएगा प्लांट तब गुड़ाई भी आपको अवॉइड कर लेना है, नहीं तो प्लांट में शॉक लग जाएगा और प्लांट कलियां बनाना भी बंद कर देगा। तो देखिए अब मैं अच्छे तरीके से गुड़ाई कर लेती हूँ, और गुड़ाई करने के साथ साथ आपको ये भी दिखा देती हूँ। देखिए जो कितना सारा रूट्स आप देख रही है यहाँ पे कट हो रहे है, हरसिंगर का प्लांट का रूट्स यानी जड़ देखिए ऊपर तक आ गए है। तो हरसिंगर ऐसे ही एक प्लांट है जिसका रूट्स बहुत ही जल्दी जल्दी डेवलप्ड हो जाता है। और मेरा हरसिंगर का प्लांट का हाइट देखिए ये 12 फीट का है, इससे ज़्यादा ही हो गए होंगे, और थोड़ा सा प्लांट मुरझा हुआ है क्योंकि आप देख ही रहे हो प्लांट का सॉइल बिल्कुल सूखा हुआ है। इस तरीके से सूखा हुआ मिट्टी में ही आपको काम करना है। अब मैं क्या करूंगी, जो मैं ऊपर से अच्छे तरीके से गुड़ाई कर लिया है इसमें मैं डालूंगी नाइट्रोजन बेस फर्टिलाइज़र, जिसके साथ ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है। तो ये कौन सा फर्टिलाइज़र मैं दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ काउ मैन्योर फर्टिलाइज़र। 12 इंच गमले के लिए आपको 2 से 3 मुट्ठी काउडंग मैन्योर आपको डालना है, और ये जो मैं मैन्योर डाल रही हूँ 1.5 से 2 महीने के बीच में मैं और कोई काउडंग मैन्योर बोलिए, वार्मी कंपोस्ट बोलिए, नहीं डालूंगी प्लांट में। इसी से 2 मंथ तक मेरा प्लांट में बहुत ही अच्छा तरीके से ग्रीन ग्रोथ यानी पत्ते का नया नया पत्ते का आना शुरू हो जाएगा। और 2 मंथ के बाद क्या होगा, आपको और कोई नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट में ज़्यादा से मात्रा नहीं देना है। तो गमले के चारों तरफ इस तरीके से काउ मैन्योर यानी गोबर खाद को अच्छे तरीके से आपको फैला देना है। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, ये बहुत सारा बनाना छिलका मैंने सूखा के रख देती हूँ, क्योंकि अभी तरह तरह विंटर फ्लावरिंग जो परमानेंट विंटर फ्लावरिंग प्लांट है उसको ज़रूरत होता है हमारा बनाना पील फर्टिलाइज़र को। तो आपको किस तरीके से देना है, देखिए एक गड्ढा आपको बना लेना है, उसके बाद मैंने एक गड्ढा में देखिए बहुत ही अच्छा से ये सूखा के मैंने रख दिया है बनाना छिलका। आपको एक गड्ढा में 3 से 4 छिलका दे देना है। तो मैं दोनों साइड गड्ढा बनाऊंगी, एक गड्ढा आपको दिखा दिया इस तरीके से डाल दिया है, और दूसरा तरफ भी मैंने और एक गड्ढा बना लूंगी देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे भी मैंने 2 से 3 बोलिए कि 4 छिलका तक आप डाल सकते हो। केले का छिलका यानी बनाना पील फर्टिलाइज़र में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है। इसी से ही जैसे इस तरीके से मैं गड्ढा बना के दिया है इस तरीके से आपको दे देना है। तो ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र के हिसाब से प्लांट में पोटाशियम का कमी कभी नहीं हो पाएगा। इसके बीच बीच में आपको क्या देना है, पोटाशियम फर्टिलाइज़र का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो आपको दे देना है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड देने से क्या होगा, जो रूट्स कट हो गए हैं तो उस रूट्स के जगह पे नया नया रूट्स बहुत ही जल्दी बन जाएगा। साथ में दे देना है ये साफ फंगीसाइड, और आपके पास बेबिस्टिन है तो आप वो भी दे सकते हो, फंगीसाइड आपको देना ही देना है बस। और कोई फर्टिलाइज़र प्लांट में अभी इस टाइम नहीं देना है, हम धीरे धीरे प्लांट को फर्टिलाइज़र देते रहेंगे।
अब हमको क्या करना है, गार्डन सॉइल से ये जो हमने फर्टिलाइजर दिया है इसको हमको कवर कर देना है। तो देखिए गार्डन सॉइल से मैं कवर कर रही हूँ, इससे क्या हो गए है, देखिए प्लांट का जो गमले है उसको ऊपर तक आ गए है। थोड़ा सा आपको हाथों से दबा के आपको फर्टिलाइजर को बोलिए कि ये जो मिट्टी का कवर है इसको आपको कर देना है। तो जब आप पानी देंगे धीरे धीरे ये जो ऊपर तक आ गए है तो ये धीरे धीरे नीचे तक बैठ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फर्टिलाइज़र जैसे आपको दे देना है मिट्टी का कवर कर देना भी ज़रूरत होता है, नहीं तो ये फर्टिलाइज़र का असर बहुत ही जल्दी जल्दी ख़राब भी हो जाता है, और जैसे हमने बनाना छिलका यहाँ पे दिया उसमें फंग भी लग सकता है। और साथ में दे देना है सबसे लास्ट में पानी, तो धीरे धीरे पानी आपको दे देना है, क्योंकि मेरा गमले का जो मिट्टी है ऊपर तक आ गए है तो मैं धीरे धीरे सावधान के साथ दे दूँगी, तो एक दो दिन में ये मिट्टी बैठ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आज का वीडियो में मैं केयर करना आपको बता दिया हरसिंगर प्लांट को, और कौन सा फर्टिलाइजर दे दिया वो भी आपको दिखा दिया। तो आपका प्लांट में अभी तक प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग नहीं किया है तो उस प्लांट में किस तरीके से आपको फर्टिलाइजर देना है वो भी आपको बता दिया। आप हमको क्या करना है, 15 दिन बाद बाद या 10 दिन बाद बाद भी आप दे सकते हो पोटेशियम बेस फर्टिलाइजर हमको देना है। तो आप बनाना पील से बना हुआ लिक्विड पोटेशियम बेस फर्टिलाइजर प्लांट में दे सकते हो। इसके लिए मैंने चार चार तरीके का वीडियो आपके साथ शेयर किया है, आप ज़रूर उस वीडियो को आप देख लीजिए, और उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र जो आपको बनाने में आसान हो तो उस फर्टिलाइज़र को आपको देते ही रहना है। इसके अलावा आप पोटैटो पील को भी भिगो के प्लांट में दे सकते हो, अनियन पील को भी भिगो के दे सकते हो, और आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो कि ऑर्गेनिक पोटाशियम, आप ऑर्गेनिक खरीद के भी प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हो। और इस टाइम और एक काम आपको कर लेना है, हरसिंगर प्लांट में आपको इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे कर लेना है। आपके पास नीम ऑयल तो होगा ही, नीम ऑयल का स्प्रे आप करते रहिए, नहीं तो पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के और थोड़ा सा लिक्विड सोप डाल के आप उससे भी आप प्लांट में स्प्रे कर सकते हो। क्योंकि कोई भी पौधा में जब कलियां बनना स्टार्ट हो जाता है प्लांट का जो टिप्स होता है उसी जगह पे बहुत सारा इंसेक्ट अटैक कर लेते हैं, कभी दिखता है कभी दिखता भी नहीं है, तो अटैक भी नहीं कर लेते हैं, जो छोटा छोटा कलियां बनते हैं उसको खा भी जाता है। इसलिए आपको अब टाइम आने वाला है हरसिंगर प्लांट को इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है, आप होममेड ही करिए पर आपको करना है। फ्रेंड्स यही था सितंबर मंथ में हरसिंगर पारिजात प्लांट को आपको किस तरीके से केयर कर लेना है, मैंने दो टाइप केयर आपको बता दिया। आप अभी तक आपका प्लांट में कटिंग नहीं किए हो, प्रूनिंग नहीं किए हो, प्लांट को रिपोर्टिंग नहीं किए हो, तो उसको आपको किस तरीके से फर्टिलाइजर देना है, किस तरह केयर करना है। और दूसरा तरीका ये है कि आपने कटिंग प्रूनिंग कर लिया, प्लांट को रिपोर्टिंग कर लिया, आपका प्लांट में अभी कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपको छोटा छोटा कलियां भी दिख रहा है आपका प्लांट में, तो किस तरीके से केयर करना है, कौन सा फर्टिलाइजर देना है, तो आज का वीडियो में आपको वो भी दिखा दिया। और आप फास्ट पार्ट के लिए यानी आपको कटिंग छटिंग किस तरीके से करना है, कौन सा फर्टिलाइजर उस टाइम देना है, उसके लिए मेरा जो सेपरेट वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, कोई नया फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरा चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज का वीडियो, आज का जानकारी हरसिंगर पारिजात के बारे में यहाँ पे एंड करते हैं। आपको कोई क्वेरी है तो आप जरूर मेरे को पूछ सकते हो। मिलते हैं और कोई नया जानकारी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।